जरूरी है। और अक्सर ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है जब नेताजी अपनी अहम में आम आदमी को कुछ नहीं समझते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आज कोटा में, जहां सिमलिया टोल नाके पर कर्मचारी की मौत पर जब हंगामा हुआ तो विधायक भरत सिंह मौके पर पहुंचे और टोल प्रबंधन को सरेआम धमकी दे डाली। उन्होंने टोल प्रबंधन को साफ कह दिया कि मृतक के परिवार को 5 लाख मुआवजा दो, वरना सड़क पर दूसरी लाश बिछ जाएगी। और उखड़ी सड़क को लेकर विधायक जी का यूं बिफरना हर किसी को अजीब लगा। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि कैसे विधायक जी ने सरेआम धमकी दे डाली। इनको बुला के समझाओ 5 लाख रुपए तत्काल आज की व्यवस्था करें। कह दिया सर, इनकी बात करने की दो बार बात भी करा दी, टोकेंगे तुमको पकड़ के। अरे सुन लो, 5 लाख लाश पड़ी हुई है तुमको, तुमको जो है 2 लाश हो जाएगी। 5 लाख रुपए दीजिए इनको, इनको बुला के समझाओ 5 लाख रुपए तत्काल आज की व्यवस्था करें। कह दिया सर, इनकी बात करने की दो बार बात भी करा दी, टोकेंगे तुमको पकड़ के। अरे सुन लो, 5 लाख लाश पड़ी हुई है तुमको, तुमको जो है 2 लाश हो जाएगी। 5 लाख रुपए दीजिए इनको। हालांकि इस मामले को जब फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से उठाया और माननीय को उनकी मर्यादा याद दिलाई तो उन्होंने अपनी दबंगई पर माफी भी मांगी। आइए आपको भी सुनवाते हैं जब फर्स्ट इंडिया ने उनसे बातचीत की तो वो क्या बोले। वो ठीक है ना कि उस भाषा को अगर मैंने जो कहा वो मेरे लिए नहीं कहा, वो उनके परिवार वाले जो पीड़ित थे उसको कहा, और उसके बाद भी जो कहा वो उस पे कोई उसको डिफेंड करना मेरा स्वभाव के अनुरूप नहीं है। और वो खेद जनक है, अगर मैंने कुछ कहा कि उसको नहीं कहना चाहिए तो खेद जनक है। वो खेद जनक है, उस भाषा को अगर मैंने जो कहा वो मेरे लिए नहीं कहा, वो उनके परिवार वाले जो पीड़ित थे उसको कहा, और उसके बाद भी जो कहा वो उस पर कोई उसको डिफेंड करना मेरा स्वभाव के अनुरूप नहीं है। और वो खेद जनक है, अगर मैंने कुछ कहा कि उसको नहीं कहना चाहिए तो खेद जनक है।